एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बहजोई में स्थित परतापुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 5 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने हरिओम को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 8600 की आबादी एवं 2750 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 465 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 80 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 160 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 6 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व नाले पर स्लिप का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसीटाइज रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, सरकारी ट्यूबवेल, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान हरिओम प्रतापुर ब्लॉक बहजोई जिला संभल तहसील चंदोसी। मैंने गांव में सीसी नाली टेल्स खड़ंजा जो धन मेरे लिए मिला था वो मैंने सुरक्षा से ईमानदारी से धन लगाया है और टाइल्स और लाइट हैं और कुछ शौचालय बने हैं, आवास भी बनवाए हैं और जो मैंने जनता से वादे किए चुनाव में धन ना मिलने से वो वादे जनता के पूरे नहीं हो रहे हैं और गांव में जगह जगह मान लो नाली की, खड़ंजा की, टाइल्स की समस्या है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, धन न मिलने की वजह से उन विकास रुका पड़ा है और शौचालय की, आवासों की जनता के लिए बहुत अधिक समस्या है और धन आगे को मिलेगा तो मैं स्वेच्छा से फिर काम कराऊंगा ग्राम पंचायत में।